श्री गणेश के जन्म की गाथा भक्तों तुम्हें सुनाएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार कैलाश पर्वत पर माता गौरा ने देखा कि शिव जी तो ध्यान में मग्न हैं। सोचा जब तक शिव जी का ध्यान टूटे मैं स्नान करके आ जाती हूँ। सो अपनी दो सखियों जया और विजया को साथ लिया तथा नंदी को संदेश देती हुई माँ स्नाना घर चली गई कि भगवान भोलेनाथ यदि मेरे पीछे उठे तो उन्हें बता देना मैं स्नान हेतु महलों में गई हूँ। यह कहकर माता स्नानागृह में आ गई। जया विजया ने माता को उपटन लगाया भक्तों के। तभी जया के मन में विचार आया कि हम तीनों यहाँ स्नानागृह में हैं परंतु द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है। क्या हो यदि कोई भूलवश भीतर आ जाए। जया ने अपने मन का विचार माता गौरा के समक्ष रखा। मैया गौरा ने एक उपाय सोचा। तन से उपटन उतारा उस उपटन को मानव आकृति दी तथा प्राण मंत्र फूंक उसे एक हस्त पुष्ट बालक बना दिया और उस बालक को क्या आदेश दिया आइए सुनते हैं। बालक जाओ द्वार पे जाओ जाके द्वार पे पहरा लाओ कोई भीतर ना आ जाए बालक इसका ध्यान लगाओ। गौरी चरण में शीश नवाया भक्तों बालक द्वार पे आया दंड को हाथों में उठाए बालक पहरा देता जाए। अब आगे क्या होगा भक्तों अब आगे क्या होगा भक्तों आओ तुम्हें बताएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं। और इधर होनी अपना खेल रचा रही थी भक्तों। भगवान भोलेनाथ की तंद्रा टूटी। गौरा को इधर उधर ढूंढा तो पास नहीं पाया कि तभी नंदी ने संदेश दिया प्रभु मैया स्नान हेतु महलों में गई है। शिव जी ने सोचा अब तक स्नान पूर्ण हो गया होगा सो गौरा से महलों में जाकर मिल लेता हूँ। यह सोच वो महलों की ओर चल पड़े। द्वार पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं एक बालक द्वार पर बैठा है। परिचय पूछा तो बालक ने कहा मैं अपनी माता का पुत्र हूं और द्वार पर पहरा देता हूं। शिवजी भीतर जाने लगे तो बालक उन्हें रोकने लगा। शिवजी ने लाख समझाया कि मैं तो गौरा का पति हूं मैं भीतर जा सकता हूं परंतु बालक था कि मानता ही नहीं था। अब शिवजी को क्रोध आ रहा था भक्तों। और शिवजी को जब क्रोध आता है तो क्या होता है आइए सुनते हैं। क्रोध में था त्रिशूल उठाया बालक पर प्रहार कराया बल में उसका शीश उड़ाया सारा त्रिलोकी थर्राया। गौरा महल से बाहर आई बालक को मृत वो थी पाई भारी माँ ने रुदन मचाया काली रूप था अपनाया। भोले शंकर मेरे लाल को भोले शंकर मेरे लाल को जीवित आप कराएं। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं।
भक्तों श्री गणेश को ध्याए। माँ गौरा का रौद्र रूप देखकर सब थर्रा गए भक्तों। शिव जी भी मन ही मन विचलित होने लगे कि गौरा को आखिर ये क्या हो गया है। परंतु माँ गौरा थी कि अपने लाल के प्राण लगातार वापस मांग रही थी। कहने लगी, हे भोले शंकर, यदि मेरा लाल जीवित न हुआ तो आज मैं सारी सृष्टि को भस्म कर दूंगी। अब शिव जी ने एक उपाय सोचा, श्री हरि विष्णु का आह्वान किया, उनसे विनती की कि जाइए, जो भी प्राणी पहले आपको मार्ग में मिले उसका शीश ले आइए। श्री हरि विष्णु गए तो एक गज का बालक घूम रहा था, उसी का शीश लाकर श्री हरि ने शिव जी को दे दिया। शिव जी ने गज बालक का शीश उस बालक के धड़ से जोड़ा, प्राण मंत्र पढ़ा और जैसे ही बालक जीवित हुआ तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी और भगवान श्री गणेश का दर्शन करने सारी सृष्टि उमड़ पड़ी। भक्तों, ब्रह्मा दर्शन को थे आए, वेदों का वो ज्ञान ले आए, श्री गणपत को वेद थमाए, शिव जी गणों का ईश बनाए, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी जी ने सारा ही धन, वायु अग्नि शक्ति बारे सारे बोल रहे जयकारे, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, इंद्र ने ऐरावत दे दीना, मैया बलि बलि जाए। आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याए। भगवान भोलेनाथ ने गणों का ईश बनाकर इनका नामकरण गणेश जी के नाम से किया। भगवान श्री गणेश जी के नाम के जयकारे तीनों लोकों में गूंज उठे। भक्तों, ब्रह्मा जी ने वेद, माँ शारदे ने स्वर और ज्ञान, विष्णु जी ने चक्र सुदर्शन, माँ लक्ष्मी ने धन और धान, इंद्र इंद्राणी ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, तथा वायु अग्नि अरुण वरुण सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां देव गजानन को प्रदान करी। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से भक्तों देव गजानन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे पहले इन्हीं का पूजन किया जाता है। इनके नाम के बिना कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं हो सकता। तो आइए हम भी देव गजानन के नाम से इस भक्ति पूजन का शुभ आरंभ करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री गणेश के चरणों का ध्यान लगाते हुए एक बार जयकार बोलिए, बोलिए गौरी नंदन गजानन गणेश भगवान की। शिव जी प्रथम पूज्य बनवाए, मैया गौरा लाड लड़ाए, शिव गण झूमत नाचत जाए, गणपत की जयकार लगाए, जो भी गणपत नाम को गाते, आरती और चालीसा गाते, चंदन का जो तिलक लगाते, वो ही मुक्ति का फल पाते। गौरी नंदन भव सागर से, गौरी नंदन भव सागर से पल में पार लगाएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं, आओ भक्तों श्री गणेश को ध्याएं।